सर ये है आशीष चंचलानी, बहुत अच्छे वाइंस बनाते हैं। इस साल ये एवेंजर्स के साथ भी मीट किया है। फिर आते हैं हमारे अमित भड़ाना, बात बात पे शायरी फूकते हैं। सुना है मेरा बहुत कारनामा, नाम है मेरा अमित भड़ाना आशकिन। ये भी वाइनर्स है सर, लेकिन इसकी चैनल्स में बहुत मोटी मोटी लड़कियां हैं, इसलिए शायद लोग इसकी चैनल को ज़्यादा पसंद नहीं करते। सर ये है कैरी मिनाटी, इसे किंग ऑफ रोस्ट के नाम से भी इंडिया में जाने जाते हैं। इसने हीरो आलम की लौड़े लगा दी। इस लड़के के चैनल का नाम है दी बोंग गाय, पश्चिम बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है। इसकी एक एमोन सीरीज बहुत चलता है। इस बंदे ने महानायक देव की एकदम कह के ली है। पर हमारे बीबी की भाइंस यानी भुवन बाम ने एशियन एंटरटेनर ऑफ द ईयर की अवार्ड जीत चुके हैं। इसकी एक फेमस डायलॉग है, सही खेल गया बैंचो। नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, मैं हूँ मिस्टर साहिल दुबे और मैं खड़ा हूँ मुंबई के बांद्रा पर। आज हमारे शहर में चल रहा है कौन जीतेगा यूट्यूब का नेशनल कंपटीशन। मैं जाकर पब्लिक से पूछूंगा कि कौन है उसकी फेवरेट यूट्यूबर। सो लेट्स बिगिन। कैरीमिनाटी भुवन बम। देखिए भाई साहब, मुझे तो अमित भड़ाना बहुत पसंद है। आशीष बांग्ला चले दी बोंग गाय के मन पसंद हो? इनमें से एक भी मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे को पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि भुवन बम ही ठीक ठाक है। अपने कैरी भाई भुवन बम कोई भी नहीं। मुझे आशीष चंचलानी की वाइंस बहुत पसंद है। अपना कैरी भाई एकदम फाड़ू है। अमित भड़ाना मुझे बीबी के वाइंस पसंद है। किरण दत्ता माने दी बोंग गाय बोंग गाय। देखिए मैं अगर बताऊंगा तो लोग मेरे मजहब पर सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आशकिन की वीडियो बहुत पसंद है। तो दोस्तों आगे देखते रहिए। मोदी जी, हमें खबर मिली है कि आपके देश में कौन जीतेगा यूट्यूब के नेशनल कॉन्टेस्ट हुआ था। वहाँ कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, हमें पता है, वो हमें बताया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो अवार्ड किसको मिला है, प्लीज़। हाँ मित्रों, वहाँ जितने भी नाम आए थे सभी अपनी जगह प्रतिभाशाली है, लेकिन उनमें से दो, कैरी मिनाटी और वीवी की वाइंस, कैरी और वीवी बहुत पॉपुलर है। और एक बंदा है, वो है दी बोंग गाय। हमने इस बोंग गाय को विजेता चुना है। मोदी जी, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। मोदी जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह अवार्ड सिर्फ बोंग गाय को क्यों मिला? उनके तो अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, और यहाँ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर 8-9 मिलियन तक है। प्लीज़ हमको क्लियर कर दीजिए। भाई और बहनों, क्या ये बात भी हम आपसे पूछ ले कर करेंगे? तो हम सरकार में क्यों हैं? परंतु जनता किसको पसंद करती है, कौन से यूट्यूबर्स को वो चाहते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। नोटबंदी का डिसीजन मैंने आपसे पूछा था। अजीब आदमी है यार। फिर भी मैं बताता हूँ, मैंने देखी सारी दुनिया, जापान से लेकर रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, लेकिन एक भी ऐसे यूट्यूबर्स नहीं है जिनके नाम के साथ गाय हो। एकमात्र दी बोंग गाय है और कोई नहीं। और आप जानते हैं कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम ये अवार्ड किसी और को दे नहीं सकते। Mr. Tharoor, what is your take on the Bong Guy's winning National YouTubers Award, defeating big names like Carryminati, BBK Vines, Asish Chanchlani, Amit Bhadana, etc.? This sounds quite interesting. This isn't actually designed for political conspiracy, and I cannot smell the British in its case, and I'm gonna prove this immediately. देखिए, नॉमिनेशन लिस्ट में मुंबई का निखिल का नाम ही शामिल नहीं था, तो हम ये लिस्ट कैसे मान ले? ये तो पूरा पॉलिटिकल मैटर हो गया। अब मोदी जी जनता को क्या जवाब देंगे, तो ये तो हमें नहीं पता।
My choice is my choice. None of your choice. Comment कीजिए कौन है आपके favorite YouTubers और subscribe कीजिए इस channel को bell icon के साथ.